सर आज क्या कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम यही है, सामाजिक परिवर्तन में व्यवस्था के तहत जो है पिछड़े जात के लोगों का कलेक्शन करके यहाँ दे करके अपने पार्टी की नीतियों को रीतियों को बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है आपके मुखिया अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप बिजली देते ही नहीं तो यूनिट फ्री कर ही देंगे। तो बिजली के लिए हमारी सरकार, पिछली सरकार में अखिलेश गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट बने हैं, जितने पावर प्लांट मैक्सिमम बनाए गए हैं उन्हीं के शिलान्यास द्वारा, उनके द्वारा बनाई गई बिजली की व्यवस्था है और बिजली देंगे, फ्री दे देंगे। तो झूठ कौन बोल रहा है? बीजेपी, बीजेपी झूठ बोल रही है। अच्छा, एक सवाल सर, एक सवाल इधर लीजिएगा। हाँ बोलिए। वर्चुअल रैली की बात हो रही है कोविड के चलते, वर्चुअल रैली होगी चुनाव में, क्या समाजवादी पार्टी तैयार है इसके लिए? तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लेंगे हम लोग उसका कंप्लायंस करेंगे साफ बात। आप भी एक पद पर हैं? ना ना ना, वर्चुअल रैली के लिए आप जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें, वो जो निर्देश देंगे वही हम लोग कार्य करता है। व्यक्तिगत आपकी क्या राय, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वर्चुअल रैली के लिए हम कैसे कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है या साजिश? तमाम ये साजिश दिखाई दे रही है, सीधे दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप सोशल मीडिया जा रहा है, वहाँ बरसात हो गई, 7000 कुर्सियाँ लगी, 700 लोग बैठे थे। आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं वहाँ, एकदम डायरेक्शन दे देते हैं कि नहीं हम जाएंगे मार्च करके रोड से जाएंगे, तो कोई SP DIG IG जाए, कोई भी अधिकारी होगा जो भीड़ किसानों की लगी रहेगी थोड़ी उठा के फेंक देंगे सबको। सर एक सवाल मेरा लीजिए जी, बढ़ रहा है लगातार केसेस, बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन आ गया है, मौत भी हो गई है इंडिया में जी, अभी भी आम लोगों के साथ साथ तो लापरवाही बरत रहे हैं, आप जैसे राजनेता भी मास्क नहीं लगाए दिखाई दे रहे हैं, लगाए तो है भास भाई, अभी आप ऊपर से आपने मास्क नहीं लगाया, मैं तो यहाँ नीचे गिर गया था, तू अपने गाड़ी से मंगाए अपना। धन्यवाद आप सबको बहुत।